ये हमने एक ख़राब पावर बैंक पड़ा हुआ था जिसका पावर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था और इसमें बैटरी भी ख़त्म हो गई थी, तो इसको हमने लिया है और इसमें दूसरी बैटरी इनबिल्ट करेंगे जो कि 40 से 50 हज़ार एमएच का पावर जनरेट करेगी। तो इसके ऊपर का सिरा हम निकाल ले रहे हैं और निकालने के बाद इसका पीछे का भी सिरा हम निकाल लेंगे और फिर बाद में इसमें देखेंगे कि हम एक बैटरी लेंगे और बैटरी लेने के बाद इसमें हम इनबिल्ट करेंगे और इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें दो तार लिया जो कि प्लस और माइनस के होंगे और प्लस और माइनस को जोड़ देंगे और ये हमारी पत्ती इसमें प्लस ये है माइनस ये है, तो प्लस का प्लस में जोड़ेंगे और माइनस का माइनस में जोड़ देंगे। प्लस की रंगे की मदद से हमने इसमें सोल्ड कर दिया है और इसमें माइनस की जगह माइनस तार सोल्ड कर दिया है और इसको हम इस तरीके से फिट करेंगे ताकि ये दोनों तार टच ना होने पाए। तो इसके अंदर ही हम इसे रख देंगे जो कि हमारा ख़राब पावर बैंक था और रखने इतनी आसानी से रखेंगे ताकि तार दोनों आपस में जुड़े ना, अगर जुड़ गए तो फिर ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से हम बंद कर देंगे और चेक करेंगे बल्ब जल रहे हैं, हाँ जल रहे हैं, और फिर पीछे के सिरे दो छेद करके उसमें अलग अलग तार निकाल देंगे जो कि माइनस और प्लस के होंगे। ये हमने ढक्कन बंद कर दिया और ये तार दोनों निकाल दिया। अब हम कुछ लैपटॉप की बैटरी के सेल लेंगे, ऐसे ही लेंगे लगभग 14-15 सेल लेंगे और इनको हम इसी के पावर बैंक के ऊपर ही हम फिट कर देंगे और ताकि इसका जो पावर एमएच है वो बढ़ जाए। तो ये सेल बहुत ही अच्छे होते हैं, हालांकि ये सेल स्क्रैपिंग में आते हैं, लिथियम बैटरी होती है और कुछ इस तरीके से हम इस पर लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्लस का प्लस हो और माइनस का माइनस होना चाहिए। तो सही साइड हम रख रहे हैं और इसमें तरीके से रखोगे प्लस का प्लस माइनस का माइनस, तो ये सेल है, तो ये वाला प्लस सिरा है और ये वाला माइनस सिरा है। तो जो रेड वाइट कलर की पट्टी का गोल्ड रिंग वाला होता है वो प्लस का होता है और नीचे जो समतल होता है वो माइनस का होता है। तो इसी तरीके से इसको हम फिट कर लेंगे ताकि एक दूसरे के ऊपर टच ना हो, अगर टच हो गए तो ब्लास्ट होने का भी डर रहता है। तो इस तरीके से हमने रख लिया और फिर बाद में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर गेटिस लगा देंगे ताकि सेल इधर उधर गिरे ना, लास्टिक। फिर पेस्ट लगाएंगे ताकि इसमें रंगा आसानी से चिपक जाए, क्योंकि एक भी सेल पर छूटने ना पाए, अगर छूट गया तो वो फिर पावर नहीं देगा। इस तरीके से हम हर एक सेल के सिरे पे रंगा लगाएंगे, मतलब सोल्ड करेंगे। इससे क्या होता है, ये स्टील होता है, इस पर आसानी से चिपक जाता है। फिर कॉपर वायर लेंगे और ये वायरिंग वाला तार है तो इसको हम एक एक बारी बारी से सिरे पे सब पे चिपका देंगे सोल्डर की मदद से और ठीक प्रकार से चिपकाएंगे ताकि, तो इसको हम बारी बारी से रंगे की मदद से इस पे टांका लगाएंगे प्लस के सिरे पे और ये ध्यान रखेंगे कि कोई सेल छूटने ना पाए, अगर एक भी सेल छूट गया तो उसमें से फिर पावर नहीं निकलेगा। माइनस वाला काम पूरा हो जा चुका है, ये भी ध्यान रखेंगे कि कायदे से चिपक जाए, प्लस वाला काम पूरा हो जा चुका है, माइनस वाला काम अब माइनस सिरे पर ही इसी तरीके से रंगा की मदद से वहाँ पर पता।
लगाएं अभी, ये मेरा प्लस हो रहा है, तैयार हो चुका है। तो इसमें अब हमें क्या करना है, ये माइनस माइनस इसको माइनस में, प्लस प्लस का ध्यान रखेंगे और माइनस का माइनस ध्यान रखेंगे, लगाएंगे और आगे की मदद से इसको माइनस वाले सेल पे सोल्ड कर देंगे। ये हमारा इसी तरीके से हम प्लस का जोड़ देंगे इसमें, ये हमारा प्लस सिरा है तो हम प्लस वाले सिरे पे सोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा पावर बैंक कंप्लीट बन गया है, पावर बैंक तैयार, जो कि अब लगभग 40,000 इमेज का हो गया है, ये लगभग 40,000 से 45,000 इमेज का पावर बन चुका है और ये काफ़ी लॉन्ग अच्छा बन गया, टाइम चलता है जिसको हम पैकिंग करेंगे। और ध्यान बात ये है कि इसके सेल एकदम सही होने चाहिए, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल को लेना होगा और उससे इसको हम कवर करेंगे। तो हम एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हैं और इसके नाप करके एक सिरा से दूसरे सिरे को आसानी से हम काट लेते हैं ताकि ये इसी के नाप का हो जाए, यानी कि पूरा पूरा का पावर बैंक कवर हो जाए। तो हमने इसके दोनों सिरे को काट लिया है और काटने के बाद इसको हम इसी के अंदर फिट कर देंगे और फिर हॉट गन की मदद से इसको हम हॉट करेंगे और इसको गर्म करेंगे ताकि ये अपने पिघल करके इसको कायदे से कवर कर ले ताकि सेल जो है इधर उधर खिसके ना, हिले ना और अपने जगह पर स्थायी रूप से स्थायी हो जाए। ध्यान रहे कि इसको इस तरीके से हीट करेगा कि जलने ना पाए, अगर जल गया तो फिर बेकार हो जाएगा। और जहाँ पर छोटा उठा हो तो उसको हॉट करके इस तरीके से ऐसे चिपका देंगे। और बहुत कसाव ले लिया है ये, और कसाव लेने के कारण ये सेल इधर उधर हिल भी नहीं सकते। तो ये हमारा पावर बैंक तैयार हो गया है और इसको हम चेक करेंगे और चारों की चारों लाइटें इसमें जल रही हैं और हम इसको अब मोबाइल के लगाएंगे, इसमें डाटा केबल लगाएंगे और अपने मोबाइल से इसको चेक करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ये काम भी कर रहा है, देख लीजिए आप लोग, इसे चार्ज भी कर रहा है और ये लगभग लगभग हमको लगता है 10 मोबाइल चार्ज कर देगा एक बार चार्जिंग पे, क्योंकि 50,000 एमएच है और हर मोबाइल की 5,000 एमएच बैटरी होगी तो भी 10 मोबाइल चार्ज करने में ये सक्षम होगा। तो आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और कैसा लगा ये भी बताइए।